हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू या चैनल सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम डॉलर इंडेक्स के इंटरेट टारगेट्स गोल्ड और सिल्वर के इंटरडेट टारगेट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो अभी हम बात करते हैं आज किस तरह का मूवमेंट रहा है देखिए यहाँ पे हमने दो डिसेसिव लेवल्स मार्क किए थे हमने कहा था कि अगर लोअर लेवल टूटेगा तो हमें सेल साइड का रेट देखने को मिलेगा और अगर मार्केट बाई साइड एक्टिवेट करती है हमें बाई साइड का डेट देखने को मिल सकता है और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो हमें बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट दे रही है तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ने कितना स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर मेंटेन करके रखा है ऑल दो मार्केट ने सेल से कटेड एक्टिवेट किया लेकिन ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया ये ट्रेंड लाइन हमने कल डिस्कस करी थी कि आ, ये आवर्ली चार्ट हमने ड्रा करी है और आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट अक्टूबर से ड्रा करी है हमने और यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है तो यहाँ से मार्केट बोल लिया बाउंस बैक किया बाईस सीट का ट्रेड एक्टिवेट किया फर्स्ट सेकेंड टारगेट हिट किया थर्ड टारगेट की तरफ अभी मार्केट बढ़ रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इसको बहुत ईजिल हिट कर देगी लेकिन अगर हम कल के लिए बात करें तो ये ट्रेड लाइन तो सबसे पहले हमारा एक मेन पॉइंट रहेगा ही जो कि हमें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे सकता है लेकिन हमें डिसेसिव लेवल्स दोबारा से मार्क करने होंगे जो ब्लैक लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है एज डिसेव लेवल्स उनको हमें ग्रीन में कन्वर्ट करना होगा ये हमारे अब टारगेट लेवल्स बन जाएंगे और बाई साइड के लिए लेवल रहेगा हमारा 102.897 ये हमारा बाई साइड के लिए और सेल साइड के लिए दोनों साइड के लिए रहेगा और इसको हम डिस्कस करते हैं अभी पिवित्स एक बार ऑन करके देख लेते हैं पिव हमें यहाँ पर कहीं पे भी हेल्प नहीं कर रहे हैं चलिए चलते हैं देखिए अगर मार्केट ने हंड्रेड टू पॉइंट एट नाइन सेवन को बाई साइड पे ब्रेक कर दिया कि बुलिश के साथ, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हंड्रेड टू पॉइंट नाइन 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 हंड्रेड थ्री पॉइंट जीरो फाइव हंड्रेड थ्री पॉइंट वन फोर फाइव और टू सिक्स वन ये हमारे बाई साइड के ट्रेड रह सकते हैं और अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल ले लेती है तो सबसे पहले मार्केट इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेगी ये ब्रेक करते ही हंड्रेड टू पॉइंट सेवन जीरो थ्री हिट करेगी बहुत क्विकली हिट करेगी इसके बाद हंड्रेड टू पॉइंट सिक्स वन नाइन हंड्रेड टू पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स हंड्रेड टू पॉइंट फोर नाइन एट हंड्रेड टू पॉइंट फोर जीरो जीरो ये हमारे टारगेट्स रह सकते हैं और कल इंपॉर्टेंट डाटा भी आ रहा है उसका इम्पेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है स्ट्रॉग मूव हमें कल शाम को छः बजे के राउंड देखने को मिलेगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी एंड में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अब बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह का मूवमेंट आज आया है और किस तरह का मूवमेंट कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो गोल में देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने सपोर्ट लिया बाउंस बैक किया बाईस साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया फर्स्ट टारगेट हिट किया मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की सेल साइड के ट्रेड को बाईस साइड के नेक्स्ट टारगेट को हिट करने की लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ पर क्रिएट कर दिया और इसके बाद मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाई तो हमें इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इसको हम थोड़ा सा ड्रा करके नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पर ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर हिट करें और हमारे ये जो लेवल है ये ज़्यादा वैलिडेट हो जाए उसके मार्केट ने ट्रेन लाइन तोड़ने की कोशिश करी फर्स्ट टारगेट हिट किया लेकिन डोजी कैंडल बनाए बुलिश कैंडल बनाए यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन अभी मार्केट फिर से थोड़ा सा बेरश मूव दे रही है तो अभी यहाँ पर डिसे, डिसाइड नहीं कर पा रही है मार्केट मार्केट को किस तरह का मूव लेना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपसाइड पे जाने की कोशिश कर रही है ट्रेंड लाइन मार्केट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रही है मार्केट को कोशिश कर रही है कि नीचे ना जाने दे लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट uh, में बेरिश कैंडल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बन रही है तो जब तक मार्केट 2605 को नहीं तोड़ता तब तक हम इसमें सेल साइड के ट्रेड्स में नहीं वेट करेंगे ठीक है तो अभी हमें मार्किंग करनी है हमारा टू थ्री टू सिक्स वन थ्री जो है एक हमारा डिसेसिव लेवल रहेगा बाई साइड के लिए और सेल साइड के लिए रहेगा टू सिक्स ज़ीरो फाइव का लेवल ये हमारे सेल साइड के लिए लेवल रहेगा डिसेसिव लेवल रहेगा ये अगर ब्रेक हो जाता है टू टू फाइव नाइन वन टू फाइव एट सिक्स टू फाइव सेवन एट और टू फाइव सिक्स नाइन हमारा टारगेट रह सकता है ठीक है लेकिन आप देखेंगे अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन बनी हुई है मार्केट बहुत जो बहुत स्ट्रॉन्गली इसको होल्ड करे हुए हैं मार्केट गोल्ड को यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी बारी नीचे आने की कोशिश कर रही है और अभी भी मार्केट जो है नीचे आने की कोशिश कर रही है तो जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग बीआर कैंडल नहीं दे देती है टू सिक्स जीरो फाइव से नीचे तब तक हम सेल साइड में ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे रिस्की रहेगा ये हमारे लिए रिस्क बढ़ रह, बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रेन लाइन बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है और इन केस अगर मार्केट ट्रेन लाइन के अंदर एंट्री लेती है स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा टू सिक्स टू ज़ीरो का नेक्स्ट टारगेट रहेगा देखिए एक लेवल मार्क कर छोटा टारगेट है, है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर हमें मार्क करना ही होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है तो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और हम सिर्फ इसलिए अपने टारगेट को बढ़ा दें क्योंकि हमें एक बड़ा प्रॉफिट अर्न करना है तो ये एक गलती हो जाती है हमसे जो ट्रेड ट्रेडर्स यूजली कर लेते हैं तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है हमें लालच में आकर हाथ में आया हुआ प्रॉफिट नहीं गंवाना है ठीक तो है तो इसलिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टू सिक्स टू 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 सिक्स थ्री टू का एक बड़ा ट्रेड और टू सिक्स थ्री सिक्स हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है तो गोल्ड में आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए साथ ही एक्स ए जी यू एस डी पे स्विच करते हैं यहाँ से देखिए मार्केट ने बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया ये यह देखिए से ये ट्रेड एक्टिवेट किया फर्स्ट टारगेट हिट किया सेकंड तरफ काफी बड़ी है यहां पे पूरी कोशिश करिए मार्केट ने एक डोजी कैंडल की बिकने टच करने की लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया तो हमें इसको भी थोड़ा सा ड्रा करके नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा और एक लाइन और ड्रा करनी होगी इस लेवल पर जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम ये मार्किंग्स जो है इसको इरेज कर लेते हैं उसके बाद डिसिसिव लेवल हमारा जो एक हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है सेम लेवल रहेगा हमारा डिसिसिव लेवल क्योंकि इसी लेवल के अराउंड जो है मार्केट काम कर रही है इस टाइम पर अपसाइड के लिए जो डिसिसिव रहेगा थर्टी पॉइंट फाइव थ्री का लेवल अगर मार्केट थर्टी पॉइंट फाइव थ्री को ब्रेक कर देती है तो थर्टी पॉइंट सेवन जीरो थर्टी वन पॉइंट जीरो ट्रेड रहेगा और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप देख सकते है। हैं तो अगर सेल का ट्रेड करती है, के नीचे, कैंडल क्लोज होती है तो 30.27, 30.11, 29.94 और 29.78 ये रहेंगे हमारे सेल साइड के ट्रेड सिल्वर एमसी में अगर हम देखें तो मार्केट ने आज इसमें भी हमें बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट करके दिया और फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट हुआ सेकंड टारगेट के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है सस्टेन नहीं कर पाई है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल है लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कमज़ोर है इसलिए मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई है ठीक है तो इसको इरेज करेंगे सबसे पहले मार्किंग्स को इरेज करेंगे और एक नया लेवल जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ये यह देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको हमें मार्क करना होगा तो डिससिव लेवल के तौर पर 88757 हमारा एक लेवल रहेगा सेल साइड के लिए और सेम ही लेवल रखते हैं एक ही लेवल रखेंगे अगर ये टूट जाता है तो 88346 88016 87799 हमारे सेल साइड के ट्रेड रहेंगे और बाई साइड पे अगर मार्केट ट्रेड लेती है इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करती है तो 89100 89381 89530 8 और 89752 यहां पे देखिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है तो 89538 को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा सिल्वर एमसीएक्स के लिए तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा इसके साथ ही बात करते हैं डाटा की जो कल आ रहा है और जो कल हमें स्ट्रॉग मूवमेंट दे सकता है डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर में लेकिन उससे पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सनेस से स्टार्टिंग कर सकते हैं एक्सनेस देखिए हम काफ़ी सालों से यूज कर रहे हैं इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमने यूज़ नहीं किया हम आपको वो रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके फ्लॉज नहीं पता हमें उसके बेनिफिट्स भी नहीं पता लेकिन एक्सनेस हम यूज़ हमने यूज़ किया है और काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं अभी भी आज भी हम यूज़ करते हैं उसको तो इसीलिए हम आपको वो रिकमेंड भी करते हैं क्योंकि अगर आप आ, हम आपको यहाँ पे लेवल्स दे रहे हैं लेकिन आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा लेकिन ट्रेड करने के लिए ऑब्वियस बात है आपको फंड्स ऐड करने होंगे लेकिन ट्रेड में भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं छोटे ट्रेड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ए डी यू एस डी से स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ ए यू डी एस डी में हम रिक्वेस्ट स्विच करते हैं ये आपका सिंबल रहता है ए यू डी यू एस डी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यू एस डॉलर का सिंबल रहता है ये डॉलर इंडेक्स के अपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और ए यू डी एस डी अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरा है ठीक है तो ये अपोजिट चलते हैं इस डॉलर इंडेक्स के बेसिस पर आप एू डी यू एस डी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं ठीक है तो आ, उसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया है अगर फ़ंड्स ऐड और विड्रॉ करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है परेशानी होती है तो एंड स्क्रीन पर हमने अकाउंट ओपनिंग का भी वीडियो डाला हुआ है कि अकाउंट किस तरह से ओपन करना है और फंड्स ऐड और विड्रॉ किस तरह से करने हैं उसका भी हमने एक वीडियो जो है आ, एंड स्क्रीन पर ऐड किया हुआ है तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अब चलते हैं डाटा पर देखिए छः बजे डाटा आ रहा है कुछ डाटा बीच में भी आ रहा है यूरोप का डाटा आ रहा है छोटे छोटे से डाटा आ रहा है लेकिन आ, हमें छोटे छोटे से ट्रेड्स दे सकता है तो जो स्ट्रॉन्ग डाटा है वो छः बजे के अराउंड आ रहा है और ये डाटा जो है कोर सी का और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा दोनों ही डाटा जो है इस सेम टाइम पर आ रहे हैं जो कि हमें अगर मिक्सड डाटा आ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो ये फोकास्टेड लेवल्स रहते हैं ये प्रीवियस लेवल्स रहते हैं एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे कोर सी का डाटा है जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स के लिए यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी लेकिन इनिशियल जॉबलिस क्लेम्स का मतलब होता है ये वो क्लेम्स हैं कि जब लोगों को डर लगता है क्योंकि नौकरियाँ जाने वाली हैं तो वो अपना इंश्योरेंस कवर जो है वो लेना शुरू कर देते हैं तो जितना ज़्यादा अगर वो इंश्योरेंस कवर लेंगे उतना ही ज़्यादा एक uh, इकोनॉमी के लिए नेगेटिव न्यूज़ uh, रहती है ये तो अगर ये बढ़ता है यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अगर बढ़ता है तो उस देश की इकोनॉमी कमज़ोर होगी उस देश की करेंसी कमज़ोर होगी और डॉलर इंडेक्स उस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है तो अगर दोनों ही डाटा इस तरह से आए कि एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा तो यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हम किस साइड का ट्रेड लें और मार्केट किस तरफ जाने वाली है तो इस केस में हमें क्या करना है छः बजे के अराउंड हमें इमिजिएटली ट्रेड नहीं लेना है हमें पहले के तीन चार मिनट निकल जाने देने हैं उसके बाद मार्केट देखिए स्ट्रांग मूवमेंट आएगा मार्केट में हमें घबराना नहीं है लालच में नहीं आना है मार्केट उसके नीचे गिरेगी अपसाइड पे डाउन साइड में एक तरफ का सिनाइर आपको लेकर बता रही हूँ कि अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो क्या होगा स्ट्रांगली ऊपर बढ़ी नीचे की तरफ गिरेगी ठीक है उसके बाद मार्केट धीरे धीरे एक साइड का मूवमेंट लेना शुरू कर देगी जब ये एक साइड का मूवमेंट बनना शुरू होगा तब आपने यहाँ से बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का आपको ट्रेड इजिली मिल जाएगा ये आपका प्रॉफिट रहेगा ठीक है लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री ले ली और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई तो ये जो पोर्शन है ये आपका नेगेटिव रहेगा आप लॉसेस में आ सकते हैं तो इस तरह से आपको कल ट्रेड प्लान करना है और आई होप आपको ये पता चल गया कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना है अगर मिक्स uh, डाटा आता है तो छः बजे का टाइम नोट कर लीजिए आप डाटा एनालिसिस वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स आ रहे हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल uh, रह सकते हैं सूट कर सकते हैं और लेवल्स आप मांग कर लीजिए ये सारे आपके लिए बहुत हेल्पफुल uh, रहेंगे कल के ट्रेड के लिए सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैक्स प्रॉफिट्स अर्न कीजिए ओके इन्वेस्टर्स बाय एवरीबडी टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स Good night.